हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कटवर्क एंड पिंटेक से ट्राउज़र की डिज़ाइन बनाएंगे। कपड़े पे डिज़ाइन बनाने के लिए हम इस तरीके का मैट यूज़ करेंगे, जिसके ऊपर हम अपने फैब्रिक को रख के उसके ऊपर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे इस तरीके का हम लंबा पट्टी लेंगे, जिसकी लंबाई 21.5 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच है। पट्टी को पलट के हम इसके रॉन्ग साइड में जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी हम पेस्टिंग पेपर स्टिक कर लिए हैं। हम 1-1 इंच का डायगनली लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसके ऊपर हम अपना पिंटेक्स बनाएंगे। इस तरीके से 1 इंच के डिस्टेंस पे हम डायगनली सारे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से लाइन के अकॉर्डिंगली हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से हम पूरे में पिंटेक्स बना लेंगे। पिंटेक्स बन जाने के बाद ये मेरा कुछ इस तरीके से लगेगा देखने में। सेम इसके लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंगली हम एक और पट्टी लेंगे, दोनों पट्टी के राइट साइड टुगेदर रखेंगे और यहाँ इसके रॉन्ग साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरे में स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से पट्टी को हम पूरे में बराबर करते हुए जाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरे में अच्छे से इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो जाने के बाद हम दोनों को सीधा कर लेंगे और जो मेरा प्लेन पट्टी है वो अंदर की तरफ ऐसे चला जाएगा। ये वाला पोर्शन मेरा क्लोज एरिया हो गया है, जिसके ऊपर हम आयरन करके अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। ये जो ओपन एरिया है, यहाँ पे भी हम दोनों पट्टी को बराबर करेंगे और ऊपर में हम स्टिच लगा लेंगे। ट्राउज़र के दूसरे पार्ट के लिए हम यहाँ पे एक और पट्टी लेंगे, जिसकी लंबाई 19.25 इंच है और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। पट्टी को पलट के हम इसके रॉन्ग साइड में आएंगे, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी पेस्टिंग पेपर स्टिक कर चुके हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम 1/2 इंच की पहले मार्किंग करेंगे और वापस से अपना मेजरिंग टेप उसके ऊपर रखते हुए एक और मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा 1.5 इंच पे होगा। अब स्केल से हम मार्किंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट लाइन के ऊपर हम इस तरीके से यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग करते हुए पूरे में जाएंगे। यहाँ पे सेकेंड लाइन पे हम पहला मार्किंग 0.25 इंच पे करेंगे और फिर यहाँ पे मेजरिंग टेप रखते हुए वापस से हम 1.5 इंच की पूरे में मार्किंग कर लेंगे। जो मेरा मार्किंग डॉट्स है उन दोनों को इस तरीके से हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारा डायगनली ज़िगज़ैग पैटर्न फॉर्म होगा। अब यहाँ पे हम अपने ट्राउज़र का बॉटम पार्ट लेंगे, इसके ऊपर हम अपने ज़िगज़ैग पैटर्न वाले पट्टी को रखेंगे और इसके दोनों साइड में हम पहले इसको पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे। अब ये जो मेरा ज़िगज़ैग लाइन है, इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से हम पूरे पट्टी में ज़िगज़ैग लाइन पे स्टिच कर लेंगे।
स्टिच हो जाने के बाद ये जो मेरा नीचे वाला पार्ट है इसको हम इस तरीके से कट करेंगे। कट हो जाने के बाद हम यहाँ पूरे में नॉचेस लगा लेंगे, स्पेशली हमारा जो साइड्स हैं ट्राइंगल का उसके ऊपर हम अच्छे से नॉचेस लगाएंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से हम पट्टी को अंदर की तरफ लेके जाएंगे। किसी पतले एल्युमिनियम के वायर से हम यहाँ साइड्स को बाहर की तरफ अच्छे से निकाल के इसे सेट करेंगे। अब हम इसे अच्छे से प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे। ट्राउज़र के रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे और मेरा जो कटवर्क वाला पट्टी था इसको यहाँ पे हम हाफ इंच की फोल्डिंग करते हुए यहाँ पूरे में इसको हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो जाने के बाद मेरा जो बॉटम पार्ट है वो ऐसा लगेगा देखने में। अब यहाँ पे हम जो अपना पिंटेक्स वाला पट्टी बनाए थे उसको हम इस तरीके से अपने कटवर्क वाले पट्टी के नीचे रखेंगे। ऐसे बराबर करते हुए हम अपने कटवर्क वाले पट्टी के साथ अपने पिंटेक्स की पट्टी को स्टिच कर लेंगे। पिंटेक्स वाले पट्टी के साथ अपने कटवर्क वाले पट्टी को हम ऐसे साथ में रखेंगे और यहाँ पे दोनों को साथ में स्टिच कर लेंगे। तो ये मेरा जो ट्राउज़र है वो कुछ इस तरीके से लगेगा स्टिच हो जाने के बाद। अब यहाँ पे हम हाफ इंच का लेस लेंगे। ऐसे हम लेस को अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे पिंटेक्स वाले पट्टी के साथ इसको हम टॉप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे साइड की इसकी फिटिंग करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।